हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज मैं आप सभी को इस टाइप के प्रश्न बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ऐसे प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो इन लोगों को नहीं आता है वो लोग क्या ऐसे प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं। प्रश्न है आपका, देखिए यक्स प्लस वन अपान यक्स बराबर क्या 5 लिखा हुआ है, तो आपसे पूछ देता है कि यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान यक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, आज मैं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सीखिएगा। जब भी इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर चाहे जो भी संख्या दी रही हो उसका स्क्वायर करना है। जैसे 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब इस टाइप के प्रश्न रहे यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान यक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाकर यहाँ पर से 2 घटा लेंगे। 25 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान यक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या अपने प्रश्नों का आंसर भी बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो तब ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, उसे भी आप लोग ध्यान से सीख लीजिए। ये आपका देखिए अगला प्रश्न है, यक्स माइनस वन अपान यक्स बराबर 2 लिखा हुआ है, तो यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान यक्स स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बताया कि जब भी इस टाइप के प्रश्न रहे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या इस वाली संख्या का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हमें क्या प्लस का चिन्ह लगाना है, और यहाँ पर क्या 2 जोड़ देंगे आप। जब प्लस का चिन्ह लग जाएगा तो 2 अपने आप जुड़ जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग गया था तो 2 क्या घट गया था। तो 4 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। यानी यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान यक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब लोग आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर इसका पावर क्या 3 कर दिया जाए अब तब कैसे ऐसे प्रश्न सॉल्व करेंगे, वो भी आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। अब ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, यक्स प्लस वन अपान यक्स बराबर 5 दिया है, तो यक्स पावर 3 प्लस वन अपान यक्स पावर 3 का मान आपसे पूछा है। अगर यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपको याद होगा तभी आप ऐसे प्रश्न को लगा पाते हैं, लेकिन ये भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर देखिए यक्स प्लस वन अपान यक्स बराबर क्या है, 5 है, तो आपसे पूछा है यक्स क्यूब प्लस वन अपान यक्स क्यूब का मान। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो अगर ऐसा प्रश्न दिया हो तो 5 का क्या हम क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, यानी 5 × 5 × 5 3 बार करेंगे। तो जब 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब आपको क्या, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब करना है तो यहाँ पर 3 क्या करेंगे, 3 गुणे करेंगे, यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी उसी से गुणा कर लेंगे, 3 × 5। अब 125 माइनस करेंगे कितना, 3 5 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब अगर आप 125 में से 15 अगर आप घटाते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया 1, यानी 110 आ जाएगा। यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान यक्स यक्स क्यूब प्लस वन अपान यक्स क्यूब का मान कितना होगा, 110 होगा। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए प्लस की जगह पर माइनस का चिन्ह यहाँ पर होता, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह होता, तब आप कैसे सॉल्व करते। देखिए अगला प्रश्न है, यक्स माइनस वन अपान यक्स बराबर क्या 3/2 है, यहाँ पर देख रहे हैं आप माइनस का चिन्ह है, तो ऐसे भी प्रश्नों को बताएंगे। अगर यहाँ पर क्या बटे में दे दिया जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, तब पर भी आपको क्या करना है, 3/2 का क्या क्यूब कर देना है, क्या 3/2 का इस तरह आप बनाएंगे और इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लाएंगे, और यहाँ पर क्या करना था, 3 × आपको करना है क्या, जो भी संख्या यहाँ पर दी रहेगी, 3/2 है तो यहाँ पर 3/2 करेंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 3/2 का पावर 3 का मतलब 3/2 × 3/2 × 3/2, तो 3 का पावर 3 पहले आप समझिएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बटे का चिन्ह लाएंगे, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 27/8। प्लस का चिन्ह लाएंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे में कितना है, 2 है।
अब देखिए ये भिन्न का जोड़ की तरह बन गया है, 27/8 धन 9/2। अब आप क्या करेंगे, इनका हर आप बराबर कर लेंगे, यानी एलसीएम ले लेंगे, तो 8 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 27/8 है तो इसे 27/8 ही लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 चौके कितना होता है, 8 होता है, 2 चौके 8 होता है, तो 9 को गुणा 4 में करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। अब बटे का चिन्ह लाएंगे, यहाँ पर क्या 8 लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, 27 और 36 जोड़ लेंगे, 27 और 36 जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा आपका, 13 3 हासिल 1, 3 2 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 63/ क्या आपका 8 आ चुका है, यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हम अगर भिन्न के रूप में दिया हो उसे भी इस चीज टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।